गोला थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान देवेंद्र उर्फ शती राम यादव पुत्र राम निवास यादव निवासी पांड्यापार उर्फ टडवा थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाना प्रभारी अजय कुमार, उप निरीक्षक अनीश सिंह, हेड कांस्टेबल मुन्ना प्रसाद, कांस्टेबल आशुतोष यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना गोला पुलिस को एक गैंगस्टर के अंतर्गत वांछित अभियुक्त सतीराम की गिरफ्तारी में सफलता मिली है। इस अभियुक्त के विरुद्ध आधे दर्जन से ज़्यादा अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं, जिसमें लूटपाट के अभियोग भी शामिल हैं। इसी आधार पर इसके विरुद्ध थाना गगहा में गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत है और ये वांछित चल रहा था। आज गोला पुलिस को इसके गिरफ्तारी में सफलता मिली है और गिरफ्तारी के समय इसके पास से 1 केजी से ज़्यादा मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, जिसके आधार पर इसके विरुद्ध NDPS एक्ट में भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी इसका रिमांड बनवाया जाएगा और इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए इस संपत्ति को कुर्क कराया जाएगा।